शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से, किस्मत की लकीरों से। क्यों आया आप? पैसे तुझसे लेने हैं तो तेरे ही तो पास आएंगे। मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी, प्लीज थोड़ा और समय दे दीजिए। पैसे ही लेने आए थे, अब पैसे तो है नहीं, पर उसके बदले में कुछ और बात पक्की करें। पैसों के बदले तुझे ले चलते हैं। क्या बात है, चल उठा ले चले इसको, चल छोड़िया हमें, छोड़िया हमें, चल। खड़ी तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? कौन है तू? तो अपनी इस बदतमीजी के लिए तुम जेल भी जा सकते हो। कैसे? तू ले जाएगी या पुलिस को यहां बुलाएगी? बोल। झांसी की रानी है तू, इसे बचाते बचाते देख तू भी गई। ऐसे कैसे छोड़ दे? बुढ़िया तुझसे कैसा रिश्ता है, तुझसे दूर रहकर भी ना तेरी तकलीफ तेरी परेशानी का पता चल जाता है मुझे। कल रात को डरावने सपने आ रहे थे कि मेरी गौरी मुसीबत में है। आप है ही इतनी अच्छी, हमेशा दूसरों के लिए ही सोचती है। आपकी तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है, सिर्फ इसकी वजह से। श्रद्धा पिछले कुछ दिनों से ना ये मेरा बहुत ध्यान रख रही है,
तो ये समझ के इसने मुझे दूसरी जिंदगी दी है। मैं आपको जानती तो नहीं, लेकिन आपने मेरी माँ जी का इतना ध्यान रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं गौरी, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा कहना चाहिए, मैं तो इनसे अभी मिली हूं, मगर तुमने इतने सालों हर हालात में इनका ख्याल रखा है, इनकी इतनी मदद की है। आज के जमाने में किसी की इतनी मदद कोई कहाँ करता है। हम अनाथ प्यार के भूखे होते हैं, जहां मिले वहीं चले जाते हैं। जब से मेरी आंख खुली मैं अकेली हूं, इस दुनिया में ना कोई भी नहीं था मेरा। फिर एक दिन माँ जी मिली, बस तब से यही मेरी माँ, मेरे बाबा, भाई बहन, दोस्त, सब कुछ है। इनके बिना मैं क्या हुआ गौरी, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? आज माँ जी मिली तो भी कब, जब भगवान ने मुझसे मेरा घर ही छीन लिया। मकान मालिक के गुंडे रोज आके परेशान करते हैं, और आज जो हुआ उसके बाद तो मैं अब यहाँ पे रह भी नहीं सकती। आज तो आपने बचा लिया, लेकिन कल या तो गुंडे मुझे ले जाएंगे या फिर शायद। नहीं गौरी, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी, क्या करूं, कोई ऐसी जगह भी तो नहीं जहां थोड़े दिन रहने के लिए तुझे छोड़ दूं। मैं क्या करूं कि श्रद्धा, बेटा मेरी बात सुनो, इधर आओ। श्रद्धा बेटा, मैं जानती हूँ ये आसान नहीं होगा, लेकिन क्या हम गौरी को अपने साथ घर ले जा सकते हैं? बेटा तुम तो जानती हो ना दुनिया कैसी है, मैं उसे यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। नहीं आंटी, माफ कर दीजिए, पर नहीं, आप तो घर के हालात जानते हैं ना, कुछ भी नहीं छुपाया है आपसे, घर पे सब कितना परेशान है, ऐसे में गौरी को घर पे ले जाना ये बिल्कुल सही नहीं होगा। मुझे माफ कर दीजिए, पर मम्मी जी से पूछे बगैर मैं ये नहीं कर सकती। पंडित जी क्या है, जरा बोलिए ना, सब ठीक तो है ना? आपकी ये लंबी चुप्पी से हमारा दिल बैठा जा रहा है। बताइए ना पंडित जी, सब कुछ ठीक तो है ना? होता तो फौरन बता देते आपको। क्या क्या मतलब है आपका पंडित जी, आप सीधे सीधे बोलिए। झूठ नहीं कहेंगे, सब ठीक तो नहीं है, एक शादी का योग नहीं, दो दो शादी का योग है, अभय की कुंडली में देख रहा हूँ मैं। ये आप क्या बोल रहे हैं पंडित जी, हमारे बेटे की कुंडली में? माफ कीजिए पंडित जी, हम आपके ज्ञान पे उंगली नहीं उठा रहे, लेकिन आपने ठीक से तो देखा ना, कहीं कोई गलती की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। पंडित गलत हो सकता है, ग्रह नहीं, ग्रह की दशा बता रही है कि अभय के कुंडली में दो शादियों का योग है। अगर ग्रहों पर ध्यान दिया जाए तो योग ऐसा बन रहा है जिसमें शायद बहुत जल्दी वो लड़की अभय के जीवन में आए और रिश्तों के समीकरण को बदले।
काम था ग्रहों की चाल के बारे में अवगत कराना। कोई प्रश्न हो तो बताइएगा, हम चलते हैं। श्रद्धा, तुमने कसम खा ली है क्या कि किसी भी राह चलते को उठा के तुम ले आओगी हमारे घर और घर को सराय बना दोगी? अब ये कौन है जिसे तुम उठा के ले आई हो? मम्मी जी, ये गौरी है, दिव्यानी आंटी जी की खास। वाह, क्या रफ्तार पकड़ी है, बेचारी बेसहारा से सीधा खास। और आपको अलग से न्योता देना पड़ेगा इसका परिचय देने के लिए। बताओ ये क्यों घुसी चली आई हमारी जिंदगी में? कौन नया आ गया घर में? दीदू को हमने किसी को लाते हुए देखा। गौरी को मैं पहले से जानती हूँ। इसने मेरा तब साथ दिया जब मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा था। बहुत सेवा की इसने मेरी, अब ये मुसीबत में है, इसे मदद चाहिए। वाह, किसी के सर पे भी मुसीबत आए, त्रिपाठी निवास का दरवाजा हमेशा सबके लिए खुला रहता है। दीदू, आप एक काम करिए ना, घर के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा दीजिए, मुसीबतों की धर्मशाला, आओ गरीबों ऐश करो। ना ना पत्नी जी, ये आपके बड़ी बहन है ताजा जी, इनका तो दिल खाना नहीं, बुरा बुरा मान बैठो। अरे बड़ी साफ है इनका दिल तो। तो सबको दिल में ही रख लेना, सड़क से उठा उठा के गरीबों को घर में रख लेंगी तो हम लोग क्या सड़क पे रहे? कीर्ति, मैं तब से चुप हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि तुझे जो मन में आएगा तो वो बोलती रहेगी। अच्छा, तो कीर्ति गलत क्या बोल रही है? वैसे इस घर के बड़े हम हैं और हम अभी तक जिंदा हैं, और ये घर है कोई भिखारियों का महल नहीं है। मम्मी जी, मैं जानती हूँ, मैं बिना आप सबसे पूछे इसे घर में ले आई। आप सब इस बात से बहुत नाराज होंगे, पर फिर भी तुमने अपनी मनमानी ही की ना, शायद हमने ही तुम्हें ज्यादा सर पे चढ़ा कर रखा है। कम से कम तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी हमें कि तुम बड़ों की इज्जत करना भूल जाओगी। ना बेटा, कम से कम घर में किसी से बात तो करनी चाहिए थी कि इस लड़की को इस घर में लाया जाए या नहीं लाया जाए। ऐसे ही करते करते परिवार आपके खिलाफ होता जाएगा, पूरी तरह से अकेली पड़ जाएंगी आप। सब लोग श्रद्धा पे क्यों नाराजगी निकाल रहे हैं? अच्छे दिल के इंसान भावनाओं में बहकर अक्सर ऐसा कदम उठा लेते हैं। हाँ, हम भी तो वही कह रहे हैं कि श्रद्धा सारी जी दिल की बहुत ही साफ रहे, एकदम मोम की तरह जल्दी पिघल जा रहे। ये बेचारी अकेली अनाथ, इसके पीछे गुंडे पड़े थे, अकेली ये कहाँ जाएगी? उसका साथ देने वाला, उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। वो तो श्रद्धा ने ढाल ली, उसका हाथ थाम लिया और जिद पे अड़ गई कि वो गौरी को साथ लेकर जाएगी। बस देखिए, घर पे सब पहले से ही बहुत परेशान है और ऐसे में इसे घर पे लेके जाना, मैं नहीं चाहती हूँ कि इस बात से घर में कोई भी तमाशा हो। हम एक काम क्यों नहीं करते, हम गौरी को पुलिस के पास लेके चलते हैं और उन्हें ये सारी बातें बता देते हैं, पुलिस ही ये सारा मामला सुलझा ले। नहीं बेटा, पुलिस नहीं, पुलिस नहीं, गुंडों की ना बहुत ऊपर तक पहचान है और फिर उसके बाद तो वो गौरी की जान के पीछे ही पड़ जाएंगे। पुलिस को नहीं बुला सकते हम गौरी को साथ नहीं ले जा सकते ना, तो मैं गौरी के साथ कहीं यहाँ सड़क पर बैठ जाऊंगी, उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। स-
सड़क से उठा के किसी को भी घर में ले आती। अगर इतनी चिंता थी तो मुझसे बात करती, हम पुलिस स्टेशन ले जाते उन्हें। पर उसे घर पे लाकर इतना बड़ा तमाशा खड़ा करने की क्या जरूरत थी? अबे मैंने तो बस रखेंगे कहां से? अपने सर पे अकेले ही सारे फैसले लेने होते। मैं कौन हूं बताओ? नहीं ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी है ना तो मुझे भी कुछ नहीं सुनना। अरे माना कि ये तुम्हारी जान पहचान है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपना कमरा खोल दें इसके लिए। एक तो पहले से तुम हमारी छाती पे मूंग दल रही हो और अब इसे ले आई हो हमारे साथ पे लादने के लिए। और नहीं तो क्या, अभी तक तो ये नई वाली आंटी जी पे हमें भरोसा ही नहीं हुआ है, तो उनकी लाई हुई लड़की पे कैसे भरोसा होगा? क्या पता रात को कहीं ये दोनों हमारा गला ना दाब दे, फिर क्या करेंगे? गोरी सी सुरतिया, आंखों से सक्की दिखाई दे रही हम गए। हम बता रहे भोली सूरत वाले ही दिमाग के शैतान होते हैं। ये दोनों कैसी बेशर्म है, इतनी बेइज्जती हो रही है पर यही बुत बन के खड़ी हुई है दोनों। शर्म करो थोड़ा। भाभी ऐसे लोग ना मोटी चमड़ी वाले होते हैं, कितनी भी बेइज्जती कर लो फोन पे जू तक नहीं रेंगती। चलो निकलो हमारे घर से। हमें माफ कर दीजिए, हमें यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। रुको गौरी। अच्छा तुम इसे हमारे घर में रोकने वाली होती कौन हो? बहुत फिक्र है ना इसकी, तो एक काम करो इसे लो और अपने साथ यहां से निकल जाओ। तो पहले ही राहु घर में आ गया है, अब साथ में केतु भी ले आई है। बस कीजिए तनुजा जी। अच्छा आप तो बस हम पे गुस्सा करिए, इसको आप कुछ नहीं बोलेंगे? इन्हें मैं क्यों कुछ बोलूंगा तनुजा जी, ये क्या लगती है मेरी? आप तो मेरी पत्नी है ना, मेरे बच्चों की माँ है, ना इन पे मेरा कोई हक है और ना ही इनसे मेरा कोई रिश्ता है। तनुजा जी आपने हर मुसीबत हर तकलीफ में मेरा साथ दिया है, तो मेरा अधिकार भी सिर्फ आप पे है। प्लीज आप अपने गुस्से को काबू में रखिए। और तुमने तो मुझे डांटने के लायक भी नहीं छोड़ा है। ठीक है अगर हम और गौरी इतना ही खल रहे हैं ना आप सबको, तो जल्दी यहां से चले जाएंगे। ये तो श्रद्धा ने जिद की इसलिए मैं यहां पर आ गई, वरना इंसान हूं कब तक इतनी बेइज्जती सहती रहूंगी। चलो गौरी। ये क्यों गुस्सा हो रही है? गुस्सा तो मुझे होना चाहिए। सादा बोल गया क्या? अरे यार अभी झांसी की रानी को मनाना पड़ेगा। कैसे? क्या किया था मैंने ऐसा जो मुझे इतना सुना दिया? एक बार मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। लाद होती है। श्रद्धा वो अब सुनाने के लिए क्या बाकी रह गया है, क्योंकि सुनने का सबर तो है ही नहीं आपने, है ना? श्रद्धा मेरी बात तो सुनो। श्रद्धा श्रद्धा अरे एक बार आखिरी बार मेरी बात तो सुन लो प्लीज प्लीज। पहले सबके सामने जी भर के अपनी भड़ास निकाल लो, उसके बाद चुपचाप आ जाओ मनाने के लिए, और इन सबके बीच में मैं पिसती रहूं ये अच्छा है इनका? अरे अच्छा सुनो ना, माफ कर दो, फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा मैं। प्लीज दरवाजा खोल दो। श्रद्धा श्रद्धा आप कुछ नहीं सुनेगी, और अगर आप उसे मनाना चाहते हैं ना फिर तो बिल्कुल भी नहीं सुनेगी, समझे आप? अरे यार ये तो मान ही नहीं रही,
भुला के बैठ गई है। इसे तो रहने नहीं दूंगा इसे मैं, पर करूं क्या? आप वैसे बहुत ही बेकार पति है तुम्हारा, बॉयफ्रेंड अच्छा है लेकिन, है ना? क्या है? अरे गुस्से में लग रही हो, फिर वो तुम्हारे अकड़ू पति ने कुछ कह दिया क्या तुम्हें? सिर्फ बोलते ही तो है वो, सुनते कहाँ है वो कुछ भी। कब से ना मैं उनको एक चीज बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि गौरी को मैं खुद इस घर में नहीं लाना चाहती थी, मैं तो खुद ही उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाना चाहती थी, मगर नहीं, उन्हें ऐसा लगता है ना कि मुझे तमाशा करने में बहुत मजा आता है। निकम्मा, नालायक, निठल्ला, बेवकूफ। क्या क्या कहा आपने? अरे तुम्हारा पति, मैं तो कहता हूँ छोड़ दो उसे और बात चलो मेरे साथ, बहुत अच्छे से रखूंगा तुम्हें, और मैं तो तुम्हारी बात भी कभी नहीं काटूंगा और सुनाऊंगा भी नहीं, सिर्फ बैठ के सुनूंगा। तुम्हारे पति की तरह नहीं, बेवकूफ, बेशरम। एक्सक्यूज मी, आप होते कौन है मेरे पति के बारे में कुछ भी ऐसा बोलने वाले? दुनिया के सबसे अच्छे पति हैं वो, और अगर उनके बारे में कुछ भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? हाँ समझ गया मैं, पर अब तुम करोगी क्या? क्योंकि तुमने तो दरवाजा खोला नहीं और वो तो जा रहे हैं। माफ कर दो यार, वो गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया। कोई बात नहीं, हड़बड़ा के शायद से मैंने तुम्हारी बात को गलत समझ लिया होगा, इसीलिए वो सब कुछ बोल गई। मैं उन्हें समझा दूंगा। आपको आखिर कौन सा कैंसर है? कैंसर है बेटा। वैसे आपको कौन सा कैंसर है? बोन कैंसर। मैं तो श्रद्धा ने जिद की, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। पर अब उस गौरी का क्या करें? क्योंकि जब तक वो घर में रहेगी ना, मम्मी के गुस्से का पहाड़ हमें ही झेलना पड़ेगा। अबे आप गौरी की फिक्र मत कीजिए, उसे मैं संभाल लूंगी। वो ज्यादा दिनों तक इस घर में ना रहे, उसके पहले ही मैं उसका कुछ इंतजाम कर दूंगी। इस वक्त गौरी से ज्यादा चिंता मुझे अभय की माँ की बीमारी की है। उनकी बीमारी का सच आखिर क्या है? अभी वो मैंने ब्लड सैंपल लेने वाले को बुलाया है, शायद वही होगा। ब्लड टेस्ट मैंने तो अभी थोड़े दिन पहले करवाया था ना, मुझे दोबारा क्यों करना है? आइए ना। दो घंटे में आपकी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।